नमस्कार दोस्तों, आज से बनारस में जो है G20 की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए विदेशी मेहमान आने लगेंगे, जिनको लेकर के आपका जो है एयरपोर्ट रोड से लेकर के TFC सेंटर तक काफ़ी आकर्षक सजावट की गई है। TFC सेंटर में आपका जो है ये मीटिंग्स होनी है, तो यहाँ पर जो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी की जा रही है। आपका जो है रेड कारपेट बिछाया गया है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये आई लव वाराणसी का जो ये पोस्टर लगा है, ये आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ पर अपना फ़ोटो खिंचाते हैं। इसके साथ साथ आपके जो पेड़ हैं उन पर काफ़ी अच्छे तरीके से ये देखिए कलर किया गया है। तो ये बड़ा जो रास्ता है आपका स्टेडियम रोड कहा जाता है, देखिए इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। और अभी जो हम लोग चल रहे हैं ये आपका एक तरह से देखिए तो साइकिल ट्रैक है। इस रास्ते में आपका एक अलग से साइकिल ट्रैक बनाया गया है, और देख रहे हैं ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। साथ ही साथ पेड़ों को जो है अच्छे तरीके से सजाया गया है, और रात में जो है काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे। ये देखिए आपका G20 में सम्मिलित देशों के झंडे, यहीं पर आपका जो है मीटिंग होने वाली है। ये देख रहे हैं पेंटिंग कितना बेहतरीन है। चलिए अब आपको चंदमारी वाला जो अंडरपास है ये देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, और रिंग रोड की जो ये दीवार है इस पर काफ़ी मनमोहक पेंटिंग ये बनाई गई है। ये जो पेंटिंग है इनकी साइज काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो दूर से देखने में काफ़ी मतलब अच्छे लग रहे हैं। ये भारत की सांस्कृतिक झलक भी इसमें देखने को आपको मिल जाएगी। तो आपका जो दोस्तों G20 के डेलीगेट्स आएंगे यही रूट है आपका, ये अंडरपास से आपका TFC सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर अपना पूरा मीटिंग करेंगे, मेहमानों का स्वागत करेंगे। ये देख रहे हैं आप कितना बढ़िया बनाया गया है वाद्य यंत्र, बहुत ही अच्छा यहाँ पर सजावट दोस्तों की गई। ये जो पेंटिंग्स है इसको देखकर दोस्तों आप मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। ये देखिए, और ये देखिए बगल में भी कितना बढ़िया ये लगाया गया है ये दीवार पे, ये देखिए एक तरह के तो घेर दिया गया है। और यहाँ पर भी देखिए ये पेंटिंग्स ये शुरू हुई हैं। तो G20 से दोस्तों बनारस की एकदम से जो है तस्वीर बदल गई है। और ये वाला देख रहे हैं आप, ये चित्रकारी कितना बेहतरीन किया गया है दीवारों पर, ये सब एक ही तरह का ये चित्रकारी है, काफ़ी मतलब आकर्षक लग रहा है ये। ये देखिए अभी हम जो है ये हरहुआ के पास है आपका, ऊपर वाला जो फ्लाईओवर है ये एयरपोर्ट वाला है, और यहाँ पर आपका देखिए भगवान बुद्ध और उनके जो 5 शिष्य हैं उनको शिक्षा देते हुए स्थिति में दिखाया गया है। रात के समय काफ़ी सुनहरा यहाँ पर लाइटें जलती हैं, और ये जो फ्लाईओवर है इनकी दीवारों पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग की गई है। आपको बच्चे इसको देखकर काफ़ी खुश होंगे। ये देखिए मगरमच्छ, ये देखिए आपका अजगर, ये जंगल का राजा शेर, देख रहे ना कितना सुंदर सुंदर ये पेंटिंग किया गया है, मतलब एकदम अद्भुत लगेगा आपको इधर से गुजरने पे। और इतना बड़ा बड़ा पेंटिंग है आप देख रहे हैं ना, एकदम आपको रियल लगेगा। तो इस तरह का बदलाव दोस्तों आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। और इस वक्त हम लोग जो है ये एयरपोर्ट वाला ये रोड है, यही आपका जो मुख्य मार्ग एक तरह से देखिए तो जितने भी डेलीगेट्स हैं G20 में जो शामिल हो रहे हैं इधर से ही आएंगे। तो इसको भी अच्छे तरीके से पूरा आपका बनाया गया है, सजाया गया है। ये देख रहे हैं आपका जो रेलिंग है तो येलो कलर का बढ़िया पेंट किया गया है, और ये देखिए झंडे आपको जगह जगह दिख जाएंगे। और आपको जो बता दें कि रास्ते में जो तरह तरह के लाइटें लगाई गई हैं रात में काफ़ी अच्छा रहता है देखने में इधर, तो भी एक वीडियो में बनाने का सोच रहा हूँ, बनाता हूँ। ये देखिए हम लोग धीरे धीरे जो है एयरपोर्ट के पास पहुँचने वाले हैं, देख रहे हैं बनारस के सड़कों पर इस समय आप गुजरिएगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप बनारस में हैं। देख रहे हैं ऐसा बदलाव मतलब कि कल्पना हम लोग भी नहीं कर सकते थे। बस पब्लिक की जिम्मेवारी है कि इसको संभाल के रखे, ऐसी साफ सफाई हमेशा बरकरार रहे। देख रहे हैं।
जब एयरपोर्ट आप पहुंचने वाले होंगे तो वहाँ पर आपको सुनहरी सुनहरी पेंटिंग देखिए मिल जाएगी देखने को आपको दीवारों पे। ये भी आपका ध्यान जो ज़रूर खींचेगी क्योंकि इसमें आपको जो है पूरा भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। देख रहे हैं तो मेरा तो कहना दोस्तों एक बार आप बनारस आइए अगर आप बनारस के नहीं हैं तो। काफ़ी मतलब सुंदर सजावट की गई है। नमो घाट का तो एकदम से रूप ही बदल दिया गया है। अभी वो 13 जून तक पब्लिक के लिए बंद है लेकिन उसके बाद जब खुलेगा तो काफ़ी अच्छी खासी वहाँ भीड़ होने वाली है। अभी देखिए हम लोग अंडरपास पे आ चुके हैं। सीधा आप जाइएगा तो जौनपुर के लिए निकल जाइएगा। यहाँ से हम लोग दाएँ घूमेंगे आप जो है एयरपोर्ट के पास पहुंच जाइएगा। और ये देखिए आपका ये G20 को लेकर के ये और ये वाला जो मार्ग है एयरपोर्ट वाला इसको देखिएगा तो मतलब पहले क्या था और अभी क्या है इसमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखने लगेगा। आपका फुटपाथ एकदम बनकर तैयार हो गया है और उस पर देख रहे हैं ये रेलिंग कितना बढ़िया लगाया गया है। उस पर जो पेंट लगाया गया है एकदम आपको लगेगा कि कहीं बाहर किसी दूसरे देश में आ गए हैं लेकिन ये आपका बनारस है दोस्तों। ये देख रहे हैं ऐसा बदलाव तो मतलब अगर आप लोग आएंगे बाहर के हैं तो आपको यकीन नहीं होगा इतना बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। ये सब तो आपका परमानेंट रहने वाला है टेम्परेरी तो है नहीं। G20 मतलब मान गए G20 को भी। ये देखिए आपका बीच में जो रेलिंग बनी हुई है उसमें सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं और ये वाला पूरा आपको मैं बनते हुए भी दिखाया हूँ। ये कुछ था नहीं पहले एकदम पतला सा डिवाइडर था और साइड में तो फुटपाथ भी नहीं था। इंटरलॉकिंग देखिए कितना बढ़िया किया गया है एकदम पत्थर एकदम रेड वाला येलो वाला और पूरे मार्ग में आपको जो है G20 से लेकर के पोस्टर आपको दिख जाएंगे। काफ़ी दोस्तों बेहतरीन लगा मुझे तो और इसी तरह का अपडेट मैं आपको दोस्तों देता रहूँगा। देखिए अब हम लोग जो है ये पहुँच चुके हैं आपका एयरपोर्ट सामने जो है वहीं से एयरपोर्ट की एंट्री होती है। तो अब मैं दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।